हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट सीरियल अनुपमा में चल रहा है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां शो के रीसेंट ट्रैक को तो आप सभी कर रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जहां सीरियल की कहानी में अब आप देखेंगे कि फाइनली बरखा की बदतमीजियों का जवाब देगी अनुपमा और बाहर निकाल के खड़ा कर देगी बरखा को कपाड़िया मेंशन से, और साथ के साथ छीन लेगी कपाड़िया बिजनेस की सारी पार और साथ ही डिंपल को सिखाएगी सबक। जी हाँ दोस्तों, सुपर हिट टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनुपमा की चुप्पी को डिंपल और बरखा ने उसकी कमज़ोरी समझ लिया है। वो दोनों इस गलतफहमी में है कि अनुज के जाने से अनुपमा टूट के बिखर चुकी है और अब उसके सपोर्ट में कोई नहीं है। तो वहीं दोस्तों, अब जो हमारी नई अनुपमा है वो दोनों को ही सबक सिखाने वाली है। जी हाँ, अनुपमा दिखाने वाली है बरखा को उसकी असली जगह, जब बरखा अनुपमा का सामान लेकर उसे वापस लौटाने आती है, और इतना ही नहीं वो अनुपमा के साथ बदतमीजी भी करती है। लेकिन अनुपमा बरखा को याद दिलाती है और उसे वॉर्न भी करती है कि आज भी वो कपाड़िया एम्पायर और कपाड़िया मेंशन की मालकिन है, तो वो अगर चाहे ना तो बरखा और अंकुश को इस बिजनेस और मेंशन से 2 मिनट में बाहर निकाल सकती है और सड़क पर ला के खड़ा कर सकती है। जहाँ पर बरखा अनुपमा की धमकी से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, तो वहीं अनुपमा अपने पति के बिजनेस को बचाने के लिए लौट के जाने वाली है अपने कपाड़िया मेंशन में और देखने वाली है कि अनुज की गैर मौजूदगी में क्या कुछ कर रहे हैं ये दोनों मिलके। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि अनुपमा वापस लौट आए कपाड़िया हाउस में और अपने नए अवतार के साथ संभाले पूरे कपाड़िया बिजनेस और कपाड़िया मेंशन को भी, और निकाल बाहर फेंके अंकुश और बरखा को? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।